गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। बच्चों हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कैपिटल स्मॉल पी था, और आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक मैग्नेट के लिए भी होता है, एक करंट कैरिंग लूप के लिए भी होता है। देखो अगर हम समझे मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि दो पोल हो और उनमें स्मॉल गैप हो। जैसे बच्चों ये मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल वो अरेंजमेंट होती है जिसमें एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, ठीक है, और दोनों पोल में कुछ गैप हो। सपोज करो ये 2L है, तो ये अरेंजमेंट बच्चों एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। ऐसे ही करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है बच्चों तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो एस की तरह काम करता है। अगर एक करंट कैरिंग लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और क्लॉकवाइज हो तो वो एस की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट के केस में, बार मैग्नेट के केस में, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ, आगे देखेंगे एम इंटू 2L होता है। अगर बार मैग्नेट के केस में बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल देखें तो एम इंटू 2L हो जाएगा। अब देखो किसी लूप को मैं इस साइड से कर रहा हूँ, मेरी साइड से क्लॉक वाइज है तो आपकी साइड से एंटी क्लॉक वाइज होगा, तो श्योर है एक लूप को दोनों साइड से देखेंगे तो उसमें नॉर्थ भी बनेगा साउथ भी बनेगा। तो एक करंट कैरिंग लूप हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और बच्चों जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये प्रोडक्ट होगा आई इंटू ए। लूप में कितना करंट आपने पास किया, ये आपका लूप है, इसमें करंट आई, और आर इसका रेडियस है, ए इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर जैसे, और एन इंटू नंबर ऑफ टर्न। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होता है आई इंटू ए। एक कोइल के लिए हो जाएगा, सपोज करो एन नंबर ऑफ कोइल है तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बच्चों एन आई ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो बच्चों इसकी एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वेयर। एम्पियर मीटर स्क्वेयर वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है एच टू एन। एच टू एन होती है इनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों एन टू एस, डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एन। तो मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो पोल हो और गैप हो। एक करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा, और एक करंट कैरिंग लूप का अगर मैग्नेटिक डाइपोल लिखना चाहे तो बच्चों ये लिखेंगे। अब इसी पे बेस एक करंट कैरिंग कॉइल होगी, वो चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, अब ये चेक करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझे, ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाई ए टॉर्क एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस पर टॉर्क चेक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाता हूं, ध्यान से समझना।
अगर आपने इसका डायग्राम समझ लिया बच्चों, इसके डेरिवेशन में कुछ भी दम नहीं है, तो हमने ये कॉइल लिया बच्चों पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका विड्थ मान लेते हैं बच्चों बी और इसका लेंथ मान लेते हैं बच्चों एल। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, इसका विड्थ है बी और इसका लेंथ है एल, और बच्चों इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट साइड में। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो बी का डायरेक्शन समझ आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आपको दिख रहा होगा बच्चों ये कॉइल ना तो ऐसे रखी गई है ना कॉइल ऐसे रखी गई है, कॉइल को मैंने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखा हुआ है, समझ आ रहे, कॉइल ऐसे भी नहीं है बोर्ड के हिसाब से और ऐसे भी नहीं है एग्जैक्टली, कॉइल को क्या किया गया है ऐसे रखा गया है थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके। ये डायग्राम बच्चों मैंने बोर्ड पे बनाया है, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके रखा गया है, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाली कॉइल है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो कैसे है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, उधर ऐसे है, तो यहाँ पे बच्चों एंगल बन रहा है, इस एंगल को लिखते हैं फाई से, ये भी एंगल बच्चों फाई होगा, फाई किसका एंगल है, ये बी का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे रखी गई है टिल्ट, तो पी क्यू आर एस, और ये जो दिख रहा है ये वाला एंगल, ठीक, ये जो एंगल है बी का प्लेन के साथ, जो कॉइल है वो ऐसे रखी गई है बच्चों, और ये बी है, तो यहाँ टॉप पे एंगल बन रहा है ये फाई है, नीचे भी बन रहा होगा, दिख रहा है नोटबुक में और इसमें। तो जो एंगल है बच्चों ये क्या है, ये जो एंगल है ये बी का कॉइल के प्लेन के साथ है, जैसे बोर्ड के प्लेन के साथ मैंने ये बना दिया, ये वाला एंगल नज़र आ रहा है, तो ऐसे ही नोटबुक के साथ ये बी एंगल बना रही है। अब आप इस कॉइल को एक साथ डील ना करें, इसको फोर कंडक्टर में डील करें, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, सबको अलग अलग देखेंगे, इन सब पे फोर्स लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले इस पे फोर्स बताओ किधर होगा, बी उधर है करंट नीचे है, फोर्स आपकी साइड होगा आउटवर्ड, बोलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स के लिए, बी उधर है करंट नीचे आउटवर्ड होगा, ये फोर्स होगा बच्चों एफ वन, ठीक है। इसमें देखो बी उधर है करंट ऊपर है, तो फोर्स बच्चों किधर आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे इनवर्ड, तो इस वाले हिस्से में फोर्स अंदर की तरफ आएगा एफ टू। अब बच गया एस पी, एस पी को ध्यान से समझे, करंट दोबारा समझा रहा हूँ, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब कि ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, और बी इधर है, ये बी का डायरेक्शन है, करंट ऐसे, एल क्रॉस बी करें, फोर्स होता है ना आई एल बी साइन थीटा, तो एल क्रॉस बी करोगे बच्चों तो ऊपर आएगा इस वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में देखें तो बच्चों ऐसे, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इधर है और बी उधर है, तो अब L क्रॉस B करना है, L किधर होगा करंट की डायरेक्शन में, तो L इधर होगा और B उधर है, तो L क्रॉस B ये नीचे आ जाएगा। तो इसमें बस डायरेक्शन का ही खेल था बच्चों, तो आपका यह मान लेते हैं F4 होगा नीचे की तरफ, F3 होगा ऊपर की तरफ। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं गारंटी करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, हर बच्चे को ये डेरिवेशन समझ में आने वाला है। तो डायरेक्शन ही है, इनको अच्छे से समझ लेना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है जब 90 डिग्री पे हो, यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं थे, करंट एलिमेंट आई एल, फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स होता है एल क्रॉस बी, तो जब 90 डिग्री पे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ चाहे एल क्रॉस बी लगाओ, लेकिन यहाँ पे फ्लेमिंग नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है एंगल, तो एल क्रॉस बी से ही डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। अब सभी पे फोर्सेस लिखेंगे तो वो चीज़ें आप लिख सकते हो, कंसीडर ए करंट कैरिंग कॉइल हैविंग लेंथ एल विड्थ बी एंड करंट आई, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कंसीडर किया,
F1, F2, F3 and F4 are the forces acting on a conductor PQ, RS, SP and QR respectively. तो अब एक एक करके फोर्स देख लेते हैं. फोर्स ऑन PQ, PQ पे फोर्स कितना होगा? F1 होगा. फोर्स का फॉर्मूला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है ILB sin थीटा. एक चार्ज को मूव कराएंगे तो QVB sin थीटा. तो F1 इस कंडक्टर पे फोर्स है I, इसका लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट एलिमेंट और बी में 90 डिग्री के एंगल है, देख सकते हो करंट एलिमेंट नीचे और बी राइट में. साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा. तो ये ILB आ गया और डायरेक्शन आउटवर्ड है. इतना समझ आ गया? फोर्स ऑन QR, F4 हो गया. ये बच्चों कितना हो जाएगा? ILB sin थीटा. तो I, इसका लेंथ कितना है? B के इक्वल है. फिर मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, करंट एलिमेंट और B में एंगल है फाई, तो साइन फाई आ जाएगा. डायरेक्शन बच्चों डाउनवर्ड, ठीक है. फिर बात करते हैं RS के ऊपर. फोर्स ऑन RS, RS पे कितना है? F2 है. F2 कितना आ जाएगा? ILB sin थीटा. I, इसकी लेंथ कितनी है? L, मैग्नेटिक फील्ड B, थीटा यहाँ भी 90 है, करंट एलिमेंट और B में, ठीक है. साइन 90 1 हो जाएगा बच्चों. ILB, इसका डायरेक्शन है इनवर्ड. आउटवर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड, ऐसे. इनवर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड इनसाइड. अब बच्चों बच गया SP, फोर्स ऑन SP. F4 कितना हो जाएगा? I, L की जगह कितना आ जाएगा? इसका विड्थ आ जाएगा B, और मैग्नेटिक फील्ड B है ही. यहाँ पे एंगल कितना होगा? करंट एलिमेंट और B में एंगल होगा 180 माइनस फाइव. तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस फाइव. ये हो जाएगा IBB, साइन 180 माइनस फाइव. बच्चों साइन फाइव होता है. ये हो जाएगा अपवर्ड. 180 में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन पॉजिटिव होता है और एंगल चेंज नहीं होता, नहीं है, साइन साइन ही रहेगा. अब आप देखो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है. इतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है, इतना ही नीचे. तो अगर बच्चों हम देखें इस कॉइल को, इतना ही फोर्स ऊपर लगाऊँ, इतना ही फोर्स नीचे लगाऊँ, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगी. तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. ये दो फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे. F3 and F4 are equal and opposite. That's why they are cancelled to each other. ये एक दूसरे को cancel कर देंगे. ये दोनों F3 F4 एक दूसरे को cancel कर देंगे बच्चों. तो नेट फोर्स कितना बचेगा? अब दो बच गए, 1 और 2. अब ध्यान से देखो, F1 लग रहा है इधर, F2 लग रहा है इधर. एक नोटबुक पे एक बाहर फोर्स लगाओ, एक अंदर, घूम जाएगा बाहर और अंदर. बोलो, तो ये कपल बना रहे हैं आपके. F1 F2 इक्वल एंड अपोजिट हैं. ये भी इक्वल एंड अपोजिट थे, ये कपल नहीं बना रहे क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन था, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, दोनों में परपेंडिकुलर गैप है, ऐसे लग रहे हैं दो फोर्स. तो घुमा देंगे किसी भी चीज को. F1 and F2 फॉर्म कपल. तो अब कपल की वजह से टॉर्क निकालना आता ही है, तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक. तो बच्चों यहां तक की कहानी सबको क्लियर है. अब कपल बन चुका है, तो बच्चों टॉर्क ड्यू टू कपल, कपल की वजह से टॉर्क कितना होता है? फोर्स. तो आप ऐसे बना लो, ये डायग्राम भी बना देता हूँ. ऐसे रखा हुआ है ये, एक फोर्स ऐसे मानो और एक ऐसे मानो, ठीक है. ये गैप बी है, ये बी और बी, ठीक है. अगर बच्चों ये नोटबुक सीधी होती ना ऐसे,
तो गैप डायरेक्ट भी हो जाता है इनके लाइन ऑफ एक्शन में, एक इधर और एक इधर, लेकिन अभी ऐसे हैं तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन बनेंगे इनमें गैप भी नहीं होगा, इनको बढ़ाना पड़ेगा आगे, बोर्ड से फील आ रहा है। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन में अब गैप ये होगा, ये एंगल फाई दे रखा है, फाई ठीक है हॉरिजॉन्टल से। तो अब गैप कितना होगा, ये बी कोस फाई होगा बच्चों। इनवर्ड आपका लग रहा है एफ टू और आउटवर्ड लग रहा है एफ वन, तो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस फाई होगा। तो फोर्स कोई भी ले लो, एफ वन ले लो या एफ टू ले लो, एक ले लो बेटा, एफ वन ले लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बी कोस फाई, और एफ वन का वैल्यू आई एल बी है, तो ये बी कोस फाई आ गया बच्चों। एल इंटू बी इस रेक्टेंगुलर कोइल का एरिया हो जाएगा, तो आई बी इंटू में ए कोस फाई हो जाएगा। ये रिजल्ट है बच्चों जब एक टर्न है, मीन्स एक ही कोइल है, अगर एन टर्न हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से। इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न, अगर बच्चों एन नंबर ऑफ टर्न है तो क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई, एन आई ए बी कोस फाई। एन आई ए अभी मैंने पढ़ाया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो एम बी कोस फाई, ये फाई आपका प्लेन से एंगल है, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये नोटबुक है और ये बी ऐसे है, तो बी का नोटबुक से एंगल ये फाई लेके चल रहे हैं, लेकिन बच्चों कई बार आपको क्या देगा, नॉर्मल से एंगल देगा, तो ध्यान से समझना, इस कोइल का नॉर्मल ऐसे होगा और बी ये होगा, ठीक है। तो बी में और नॉर्मल में एंगल थीटा लेके चल रहा हूँ, बी में और नोटबुक में फाई लेके चल रहा हूँ, तो ये थीटा ये वाला थीटा दोनों मार्कर में एंगल, और मार्कर और नोटबुक में एंगल फाई प्लस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल, नॉर्मल तो कोइल के परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा आपकी साइड नहीं, और बी बच्चों ऐसे दे रखा है, तो इस मार्कर का नोटबुक से फाई है, इस मार्कर का इस मार्कर से थीटा है, तो थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल, तो बच्चों थीटा प्लस में फाई हो जाएगा 90 डिग्री, और फाई का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मैं फाई को रिप्लेस कर रहा हूँ, टॉर्क आ जाएगा एम बी कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा एम क्रॉस बी। जैसे हमने वो वाला टॉर्क पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, याद है वो टॉर्क आया था पी क्रॉस ई, सेम वैसा ही रिजल्ट बना दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला दोनों सेम है एक तरह से, पी क्रॉस ई या एम क्रॉस बी। और एम का डायरेक्शन लूप के केस में कैसे देखेंगे, डायरेक्ट देखना हो तो अगर ऐसे करंट है तो डायरेक्ट राइट हैंड थंब रूल से एम देख सकते हैं, एम किधर होगा, बाहर की तरफ। अगर बच्चों करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो एम किधर होगा, इनवर्ड। तो करंट की फ्लो के अकॉर्डिंग एम का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो ऐसे हम एक डेरिवेशन बना सकते हैं, यही वाला डेरिवेशन अब आपका गैल्वेनोमीटर में यूज होगा, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस आप पढ़ोगे, जो करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि किसी भी करंट कैरिंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो यहाँ तक बच्चों समझ आ गया, अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।